भी ब्लड प्रेशर हम कम मांगते हैं, जबकि अगर रिपीटेडली ये प्रेशर कितना रहा हो 140 90 से ज्यादा रहा हो। ध्यान दें, अगर आपने नोटिस किया हो तो आप जैसे ही डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हैं तो डॉक्टर जाते ही आपका ब्लड प्रेशर कभी नहीं नापता है। हमेशा जाने के बाद डॉक्टर भले कितना खाली बैठा हो उसके बावजूद आपको कम से कम 10 से 15 मिनट का वेट कराया जाएगा, उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर नापा जाएगा। कारण हो सकता है कि आप डॉक्टर के क्लिनिक तक आप चल के गए हो तो आपका बीपी बढ़ जाएगा, हो सकता है कि आप क्लिनिक फर्स्ट फ्लोर पे हो आप वहां तक क्लाइम करके गए तो भी आपका बीपी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए पहले देखिए तो अगर अपन बेटा बात करें, हार्ट जो ब्लड पंप करता है ये ब्लड किसके पास गया, आर्टरी के पास। आर्टरी ने आगे डिवाइड किया तो क्या बना, आर्टेरियोल। आर्टेरियोल आगे चल करके क्या बनाएगा, कैपिलरी। कैपिलरी जब कंबाइन करती है तो इसके कंबाइन करने से क्या बना, वेन्यूल। उसके बाद वेन्स बनी और वेन्स आगे जाकर के ओपन कहां हो जाएगी, हार्ट के पास। यानी कि लार्जली अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो ब्लड वेसल है वो तीन तरह की है, एक है आर्टरी, दूसरी है वेन और तीसरी ब्लड वेसल का नाम है कैपिलरी। तो ब्लड वेसल कितने टाइप की हुई, तीन, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। पहले बात करते हैं हम आर्टरी और वेन के बारे में। अगर हम आर्टरी और वेन को देखें तो मान लो ये हमने बेटा एक आर्टरी का क्रॉस सेक्शन बनाया और ये इधर अपन ने दिए वेन का क्रॉस सेक्शन। अगर आर्टरी और वेन के क्रॉस सेक्शन में देखें तो इनमें सबसे बाहर की जो लेयर है इसको नाम देते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। बाहर वाली लेयर का नाम क्या रहेगा, ट्यूनिका एक्सटर्ना नाम होता है। ये जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है ये बनी है WFCT की। तो किसकी बनी हुई है, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ऑब्वियसली यहां पे पाए जाने वाले जो फाइबर्स रहेंगे ये कौन से फाइबर पाए जाएंगे, कोलेजन फाइबर, क्योंकि वाइट फाइबर यानी कि कोलेजन फाइबर यहां पाए जा रहे हैं। तो ये लेयर कंपैरेटिवली ज्यादा मजबूत होती है। तो आउटर मोस्ट कवरिंग को नाम क्या दिया जाता है, ट्यूनिका एक्सटर्ना कहा जाता है। ट्यूनिका एक्सटर्ना के बाद फिर यहां पर मिडिल में जो लेयर पाई जाती है इस मिडिल लेयर का नाम यहां पर होता है ट्यूनिका मीडिया। और ये जो ट्यूनिका मीडिया है जिसको मैं यहां पे डॉट्स के फॉर्म में दिखा रहा हूं, ये लेयर अगर आप देखें तो क्या आर्टरी और वेन में इसकी थिकनेस बराबर है, नहीं। इसकी थिकनेस कहां ज्यादा है, आर्टरी में, जबकि वेन में इसकी थिकनेस कंपैरेटिवली क्या है, कम। तो अपन ने कहा कि दो कंडीशन हुई। ये जो अगली लेयर आई इस लेयर को आपने नाम क्या दिया, तो सेकेंड लेयर इज कॉल्ड एज ट्यूनिका मीडिया। अब ये जो ट्यूनिका मीडिया है जिसकी थिकनेस हमने देखा कि आर्टरी के अंदर ज्यादा है जबकि वेन के अंदर कंपैरेटिवली कम है, तो ये ट्यूनिका मीडिया आपकी बनी है स्मूथ मसल की। और यहां पर स्मूथ मसल के साथ कुछ इलास्टिक फाइबर पाए जाते हैं। तो स्मूथ मसल है और साथ में फाइबर्स कौन से पाए जा रहे हैं बेटा, इलास्टिक फाइबर्स यहां पर मौजूद है। तो स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर से बनी हुई दूसरी लेयर का नाम होता है ट्यूनिका मीडिया। तो ये मिडिल लेयर हुई। तो अपन ने कहा कि ये जो मिडिल लेयर है जिसको आप बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, ये वाला है। चलिए, तो अपन ने कहा कि आउटर मोस्ट लेयर का नाम क्या हुआ, ट्यूनिका एक्सटर्नल। मिडिल लेयर का नाम क्या बेटा, ट्यूनिका मीडिया। और यहीं पर सबसे अंदर की तरफ जो लेयर पाई जाती है इसको नाम देते हैं ट्यूनिका इंटीमा। क्या नाम दिया, ट्यूनिका इंटीमा या ट्यूनिका इंटरना कहा जाता है। ये यहां सबसे अंदर की तरफ पाई जाती है और ट्यूनिका इंटीमा बनी है आपका सिंपल स्क्वेमस इपिथीलिया का। तो ये बनी होती है सिंपल स्क्वेमस इपिथीलिया से। तो हमारे पास आर्टरी या वेन में अगर हम बात करें कि कितनी लेयर पाई जाती है तो हम कहेंगे तीन। आउटर मोस्ट लेयर का नाम क्या है, ट्यूनिका एक्सटर्ना। कौन सा टिश्यू पाया जा रहा है, वाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू। फाइबर्स कौन से हैं, कोलेजन फाइबर। मिडिल लेयर का नाम क्या है, ट्यूनिका मीडिया। किसकी बनी है, स्मूथ मसल की।
फाइबर कौन से हैं? इलास्टिक फाइबर पाए जाते हैं इसके अंदर, सबसे अंदर की जो लेयर है ट्यूनिका एक्टिवा कही जाती है, और ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया से बनी। यहां जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया है ये एक्चुअली यहां पर एंडोथेलियम है, तो जो ब्लड वेसल में एंडोथेलियम पाई जाती है ये इसी को कहा जाता है। अब हमें देखना है कि आर्टरी और वेन दोनों में अंतर क्या होते हैं। आर्टरी को अगर आप देखें तो आर्टरी वो ब्लड वेसल कही जाती है विच कैरी ब्लड बताओ टूवर्ड हर्ट या अवे फ्रॉम हर्ट, अवे फ्रॉम हर्ट। तो आर्टरी जो है ये ब्लड को लेकर के कहां जाती है, हर्ट से दूर लेकर के जाती है। वही वेन के केस में हम कहते हैं कि वेन वो ब्लड वेसल है जो कैरी कर रही है ब्लड को टूवर्ड हर्ट, तो ये ब्लड को लेकर के कहां गई बेटा टूवर्ड हर्ट, तो हर्ट की तरफ ब्लड ले जाने वाली ब्लड वेसल का नाम है यहां पर वेन। अगला देखें आर्टरी में अगर हम देखें तो आर्टरी ही आगे चल करके आर्टेरियोल में डिवाइड की थी, और आर्टेरियोल के डिवाइड करने से क्या बना था कैपिलरी, यानी कि मैं कह सकता हूं कि आर्टरी स्टार्ट होती है हर्ट से और एंड किसके अंदर होती है कैपिलरी से। वही वेन के केस में कहा जा सकता है कि वेन स्टार्ट कहां से होती है कैपिलरी से और ये जाकर के खत्म कहां होगी हार्ट पर। तो आपने कहा कि जो आर्टरी है इट स्टार्ट फ्रॉम हर्ट, तो ये बेटा स्टार्ट हुई कहां से हर्ट से, और फिर उसके बाद जाकर के अपन ने कहा कि टर्मिनेट होती है किसके अंदर, तो अपन ने कहा कि टर्मिनेट इन कैपिलरी, तो ये कैपिलरी में जाकर के टर्मिनेट हो जाती है। वही वेन के बारे में हम अगर देखें तो वेन बेटा स्टार्ट होती है कैपिलरी से, सो इट स्टार्ट फ्रॉम कैपिलरी, और ये आगे जाकर के टर्मिनेट कहां होगी, तो अपन ने कहा कि ये आगे जाकर के बेटा टर्मिनेट हो जाती है इन हर्ट, तो ये लास्ट में जाकर के खत्म कहां पर होगी हर्ट पर। अगला आपने देखो ट्यूनिका मीडिया के बारे में तो देखा है, अगर मैं बात करता हूं कि इनमें किस टाइप का ब्लड फ्लो करता है, तो आर्टरी के अंदर ब्लड जनरली कैसा होता है ऑक्सीजनेटेड, और वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड। इसका कोई एक्सेप्शन है क्या? यस yes. कौन है? पल्मोनरी आर्टरी। एक और एक्सेप्शन अम्बिलिकल आर्टरी। एक और एक्सेप्शन क्या होता है? अम्बिलिकल आर्टरी। तो हमने कहा कि जनरली जो है इनके पास जो ब्लड पाया जाता है ये कैसा रहता है बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो अपन ने कहा कि जनरली यहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है किसको छोड़कर, तो अपन ने कहा कि एक्सेप्ट, एक तो मैंने नाम दिया पल्मोनरी आर्टरी का, पल्मोनरी आर्टरी आप जानते हैं हर्ट से जाती है और ये ब्लड लेकर के कहां जाएगी लंग्स के पास, तो ब्लड इसके पास कैसा रहेगा डीऑक्सी, जबकि वही दूसरा इसका एग्जांपल हो जाता है अम्बिलिकल आर्टरी। अम्बिलिकल आर्टरी बताओ कहां पर पाई जाती होगी, कहां होनी चाहिए? अम्बिलिकल कॉर्ड में। तो अम्बिलिकल आर्टरी कहां होगी? अम्बिलिकल कॉर्ड में। अब जरा अम्बिलिकल आर्टरी वाली कहानी समझना, देखिए यहां पर हमारे पास हम मान लेते हैं कि ये एक फीटस है, ये बेटा क्या हुआ फीटस, फीटस के बाहर बाहर प्लेसेंटा मौजूद होता है। अब यहां पर फीटस के लंग्स तो काम करते नहीं है, जितना भी ब्लड का ऑक्सीजनेशन होना है या जितना भी गैसियस एक्सचेंज है वो सारा कौन करेगा, प्लेसेंटा का काम है गैसियस एक्सचेंज करना। तो एक ब्लड वेसल है जो कि यहां फीटस से ब्लड को लेकर के कहां जाती है प्लेसेंटा के पास, जो ब्लड वेसल फीटस से ब्लड लेकर के प्लेसेंटा के पास जाती है इस ब्लड वेसल को अपन क्या बोलते हैं अम्बिलिकल आर्टरी कहते हैं। वहीं पर एक और ब्लड वेसल जो कि ब्लड को यहां लेकर के आ रही है वापस, इसको आप नाम क्या देते हैं अम्बिलिकल वेन नाम देते हैं। तो देखो ऑक्सीजनेशन कहां है, यहां पर जाकर के होना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अम्बिलिकल आर्टरी के पास जो ब्लड हो वो ऑक्सीजनेटेड हो या डीऑक्सीजनेटेड, कैसा होना चाहिए डीऑक्सीजनेटेड होना। वहीं पर अम्बिलिकल वेन के पास जो ब्लड हो वो कैसा होना चाहिए ऑक्सीजनेटेड। तो अगर कहा जाए कि एडल्ट के अंदर, अगर कहा जाए एडल्ट में या आफ्टर बर्थ कौन सी आर्टरी ऐसी होती है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, तो अपन क्या कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी। वहीं पर कहा कि एम्ब्रियो में, तो एम्ब्रियो में यही काम कौन कर रहा होगा अम्बिलिकल आर्टरी काम करेगी।
ऐसे ही अपन यहां पे ले सकते हैं ना कि जनरली दे कैरी डीऑक्सी ब्लड, जनरली यहां पर जो ब्लड रहेगा ये ब्लड कैसा होगा, डीऑक्सी ब्लड होगा। तो जनरली यहां पर पाया जाने वाला ब्लड कैसा होता है, डीऑक्सी ब्लड होता है। एक्सेप्ट तो आप किसे छोड़ दें, तो एक तो ले लो पल्मोनरी वेन और दूसरा क्या अम्बिलिकल वेन। तो पल्मोनरी वेन और अम्बिलिकल वेन को छोड़ करके बाकी सारी वेन्स के अंदर ब्लड कैसा होता है, डीऑक्सी। तो जो हम कई बार आर्टरी और वेन को इस बेसिस पे डिफाइन करते हैं कि आर्टरी वो ब्लड वेसल है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वेन ब्लड वेसल है जिसके अंदर डीऑक्सी ब्लड है, इस चीज का तो एक्सेप्शन है। तो हम आगे से जब भी आर्टरी या वेन को हम डिफाइन करें तो ऑक्सी या डीऑक्सी ब्लड की बजाय हम इसे डिफाइन करें कि आर्टरी वो ब्लड वेसल है जो ब्लड को लेकर के कहां जाती है, हर्ट से दूर, इस बात का कोई एक्सेप्शन नहीं है। वहीं पर वेन वो ब्लड वेसल है जो ब्लड को कहां लेकर के आती है, हर्ट के पास लेकर के आती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, वेन कहते हैं। अब अगला देखिए आर्टरी और वेन में क्या अंतर है। आर्टरी जनरली क्या होता है, डीप सीटेड होती है बॉडी में। आर्टरी क्या रहती है बेटा, डीप सीटेड होती है, जबकि जो वेन होती है ये पाई जाती है बिलो द स्किन। तो ये कहां सुपरफिशियल होगी, जबकि आर्टरीज कंपैरेटिवली क्या होगा, डीप सीटेड होती है। अब ऐसा क्यों है, तो उसका कारण ये है कि आर्टरी में जो ब्लड है ये ब्लड होता है हाई प्रेशर पे। ब्लड क्या रहेगा बेटा, हाई प्रेशर पे होता है। तो हमने कहा कि ब्लड इसके अंदर कहां होगा, हाई प्रेशर पे, जबकि वहीं पर यहां जो ब्लड होगा ये ब्लड किस पे होता है, लो प्रेशर पे। अब देखिए इस चीज का जो फायदा मिलता है, ऐसा किया क्यों जाता है, तो उसका रीजन ये है कि अगर आर्टरी कहीं सुपरफिशियल हुई तो आर्टरी में कट लगते ही क्या होगा कि ब्लड बहुत तेजी से बाहर आएगा, एकदम पिचकारी के फॉर्म में। ब्लड अगर इतनी तेजी से बाहर आया तो अब इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। वहीं पर वेन में क्योंकि ब्लड धीमे धीमे बहता है, तो वेन में अगर कोई कट लगता भी है तो वेन से बहने वाले ब्लड को कंट्रोल करना आसान है, इसीलिए वेन को आपने कहां रखा, सुपरफिशियल रखा, जबकि आर्टरीज कहां रही, डीप सीटेड। हमारी बॉडी में सुपरफिशियल जो आर्टरीज पाई जाती है उनमें से एक तो अगर देखें, यहां पे रेडियल आर्टरी होती है जिसके अंदर पल्स देखते हैं, इसका नाम क्या है, रेडियल आर्टरी। तो आपने देखा होगा कि जब भी अगर कोई जिंदा है या मर गया तो कॉमन आदमी तो यहां देखता है। एक सीरियल आता था सीआईडी, सीआईडी में जब भी देखते थे तो हमेशा गले पे देखते थे, तो गले पे यहां होती कैरोटिड आर्टरी। कौन सी आर्टरी होती है, कैरोटिड आर्टरी। तो ये दो आर्टरीज है जो कि क्या होती है, सुपरफिशियल, बाकी सारी आर्टरीज क्या होता है, डीप सीटेड होती है, बॉडी में काफी अंदर पाई जाती है, जबकि वेन कंपैरेटिवली कैसा रहेगा, सुपरफिशियल होगा। अब जितना आपने ब्रीदिंग में पढ़ा है उस चीज को अगर मैं यहां पे लाऊं तो मुझे बताओ, आर्टरी में जो ब्लड है वो ज्यादा पीएच वाला होगा या वेन वाला ब्लड ज्यादा पीएच वाला होगा, वेन वाले ब्लड का पीएच कम होगा। समझना, वेन वाले ब्लड के पास CO2 है ज्यादा, जब CO2 ज्यादा है तो वाटर के साथ कंबाइन करेगा, क्या बनेगा, H2CO3, तो पीएच क्या हो गया, कम। तो हमने कहा कि आर्टरी में जो ब्लड है इस ब्लड का पीएच क्या रहेगा, कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, जबकि वही वेन के केस में यहां पे ब्लड का जो पीएच है ये कंपैरेटिवली कैसा हो जाता है, कम रहेगा। तो यानी कि आर्टरी और वेन में अगला अंतर आपको कहां दिखाई देता है, पीएच में दिखाई देता है कि ब्लड के पीएच में अंतर है। तो ये कुछ एक डिफरेंसेस हैं जो कि अपने को आर्टरी और वेन में दिखाई देते हैं। आर्टरी और वेन के बाद अब आपके पास तीसरी जो ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल को अपन नाम क्या देते हैं, कैपिलरी। तो थर्ड ब्लड वेसल हमारे पास जो है, इस ब्लड वेसल का नाम क्या बेटा, कैपिलरी। तो ये कैपिलरी आपके पास अगली ब्लड वेसल हो गई, इसको जरा देखिए। अगर हम कैपिलरी के स्ट्रक्चर देखते हैं तो कैपिलरी में हमको दिखाई देता है कि ये सिंगल सेंट्रिक होगी, यानी कि मान लो बेटा ये कैपिलरी है, तो इस कैपिलरी में केवल आपको दिखाई देगा कि यहां इसकी वॉल में सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया पाई जा रही है। वॉल में एपिथेलिया कौन सी मौजूद होगी, सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया यहां वॉल के अंदर पाई जाती है। तो हमने कहा कि कैपिलरी की जो वॉल है इसमें पाई जाने वाली एपिथेलिया कौन सी रहेगी, सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया पाई जाती है।
तो अपन ने कहा सिंपल स्क्वायर मल्टीपिटी लिया है, और यहां पर केवल सिंपल स्क्वायर मल्टीपिटी लिया पाई जाती है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि जो हमारे पास ये कैपिलरी है, ये कैपिलरी बेटा सिंगल सेल थिक है। कैपिलरी कैसी है? सिंगल सेल थिक। समझना सिंगल सेल थिक टर्म को। आपने कहा कि कैपिलरी में अगर आप अंदर से बाहर जाते हैं, यानी कहां से कहां? अंदर यानी कि यहां, यहां से अगर बाहर जाओगे तो कितनी सेल लेयर मिलेगी? केवल एक। तो इसलिए तुमने क्या कहा कि सिंगल सेल थिक है। जितना भी एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होता है, जितना भी एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होगा, ये सारा एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस हमेशा कहां होता है? कैपिलरी के लेवल पर। तो चाहे गैसेस हो, चाहे फूड हो, एक्सक्रीटरी वेस्ट हो, उसका जितना भी एक्सचेंज किया जाना है, ये पूरा एक्सचेंज केवल कहां परफॉर्म किया जाता है? कैपिलरी पर। तो एक्सचेंज यहां होता है। कैपिलरी में ध्यान रखेंगे कि कैपिलरी का सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होता है। एक्सचेंज होना है ना, अगर एक्सचेंज होना है तो इसके लिए कैपिलरी का सरफेस एरिया क्या होना चाहिए? ज्यादा। भाई जितना ज्यादा सरफेस एरिया, उतना ज्यादा यहां पर रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, यानी कि एक्सचेंज उतना ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो यहां पर हमने कहा कि सबसे ज्यादा सरफेस एरिया किसका होता है? कैपिलरी का। तो ब्लड वेसल अपने पास कितनी हुई? तीन। कौन कौन सी? आर्टरी, वेन, कैपिलरी। आर्टरी वो जो कि ब्लड को हार्ट से लेकर के जाए दूर, वेन वो जो कि ब्लड को हार्ट के पास लाए, और कैपिलरी इन दोनों के बीच। जितना एक्सचेंज है वो कौन करेगा? कैपिलरी। आर्टरी और वेन की वॉल में कितनी लेयर? तीन। सबसे बाहर के लेयर का नाम प्यूरिका एक्सटर्ना। किससे बना? WFCT। फाइबर कौन से? मिडिल लेयर का नाम ट्यूनिका मीडिया। ज्यादा थिक कहां? आर्टरी में। आर्टरी में ट्यूनिका मीडिया के ज्यादा थिक होने की वजह से आर्टरी की जो ल्यूमेन है, ये ल्यूमेन क्या हो गई? नैरो। तो अपन ने कहा कि यहां पे ल्यूमेन कैसी हो गई? नैरो। जबकि यहां पर ल्यूमेन कंपैटिबिलिटी क्या रहेगी? वाइड। अब यहां तुमने फिजिक्स में पढ़ा है बर्नौलीज थ्योरम, उसको लगाओ तो जिसकी ल्यूमेन नैरो वहां पे प्रेशर ज्यादा, जिसकी ल्यूमेन वाइड वहां पे प्रेशर कम रहेगा। तो इससे अंतर समझ में आए? लिखो फटाफट से। कैपिलरी देख बेटा, अपन ने ये कहा कि ये वाले हार्ट है, ठीक। हार्ट से कौन जाएगा? आर्टरी। आर्टरी जब आगे चल के डिवाइड करेगी तो क्या बनेगा? आर्टेरियोल बनेगी। आर्टेरियोल जब आगे चल करके डिवाइड करा तो क्या बना? कैपिलरी बना। कैपिलरी ने जब कंबाइन किया तो कंबाइन करने पर क्या बना? वेन्यूल। जब वेन्यूल्स कंबाइन करती है तो इससे फॉर्मेशन किसका होगा? वेन का। और वेन जाकर के वापस से ऊपर कहां हो गई? हार्ट में। तो कैपिलरी कहां पाई जाती है? जहां पे आर्टेरियोल और वेन्यूल आपस में मिलते हैं, तो इनके मिलने वाले पॉइंट पर क्या मौजूद होगा? कैपिलरी। जहां गैसियस एक्सचेंज या जितना भी एक्सचेंज होना है, ये सारा एक्सचेंज परफॉर्म किया जाएगा। प्लेसेंटा है अंदर फीटस, तो फीटस और प्लेसेंटा के बीच में अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन। लिख गया?
आगे बढ़े। ठीक है, आगे अगर अपन बात करें तो अपने पास बेटा डबल सर्कुलेशन में दो तरह के सर्कुलेशन होते हैं, एक जिसको हम नाम देते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा जिसे नाम क्या दिया जाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी का मतलब क्या हुआ, लंग्स, हमारे लंग्स के लिए जो सर्कुलेशन है उसका नाम क्या होगा पल्मोनरी सर्कुलेशन। वहीं पर हमारे रेस्ट ऑफ द बॉडी टिश्यूज के लिए जो सर्कुलेशन है वो, क्योंकि हम आते हैं अलग अलग सिस्टम्स के अंदर, जैसे कि हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो इन सिस्टम्स के लिए जो सप्लाई मिलती है उस सप्लाई को अपन क्या बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो सर्कुलेशन हमारे पास कितने हुए, दो, वन इज कॉल्ड पल्मोनरी एंड अदर इज कॉल्ड एज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। देखिए अगर मैं यहां पर बनाता हूं अपना हार्ट, तो यहां पे अपन ने क्या किया बेटा, हार्ट बनाया। अब ये जो हार्ट है इसमें से अगर हम बात करें तो यहां आप जानते हैं कि हमारे हार्ट के जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल यहां बेटा ब्लड पंप करके किसे भेजता है, लंग्स के पास। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड किसके पास पहुंचा, लंग्स के पास। लेकर के जाने वाली जो ब्लड वेसल है इसको नाम क्या दिया जाता है, पल्मोनरी आर्टरी। ये अब यहां जाकर के कैपिलरी में डिवाइड करेगा, तो ये डिवाइड किया, इसके डिवाइड करने से क्या बन गई कैपिलरी, गैसियस एक्सचेंज हुआ। एक्सचेंज के बाद ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको पल्मोनरी वेन्स लेकर के आती है, और अब ये वेन ब्लड किसके पास आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम के पास आया। तो लाने वाली जो ब्लड वेसल थी इसका नाम क्या है, पल्मोनरी वेन। तो देखिए पहला सर्कुलेशन ये बना जहां पर आपने कहा कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड बेटा गया किसके पास, पल्मोनरी आर्टरी के पास। तो राइट वेंट्रिकल ने ब्लड भेजा किसके पास, पल्मोनरी आर्टरी को। पल्मोनरी आर्टरी ने इस ब्लड को कहां पहुंचाया, लंग्स के पास। अब ब्लड का ऑक्सीजनेशन हुआ, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब किसके पास आया, पल्मोनरी वेन्स के पास आया। और पल्मोनरी वेन्स जो है ये इस ब्लड को लाकर के ट्रेन कहां कर देते हैं, लेफ्ट एट्रियम में। तो ये जो सर्कुलेशन था ये सर्कुलेशन आपका किसके लिए था, लंग्स के लिए, क्योंकि लंग्स के लिए सर्कुलेशन है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहेंगे। तो ये पहला हमारे पास सर्कुलेशन आया जिसको हमने कहा पल्मोनरी सर्कुलेशन। यहीं पर अब जो ये ब्लड आपका लेफ्ट एट्रियम में आया, ये ब्लड पहुंचा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप किया, ये एओर्टा से होता हुआ अब ये आगे जाकर के कहां पहुंचा, बॉडी के टिश्यूज के पास। तो अब ये ब्लड कहां पहुंच गया बेटा, बॉडी टिश्यूज के पास पहुंचा। तो ये ब्लड जाकर के पहुंचा आपका बॉडी टिश्यूज के पास, यहां पर जो कैपिलरीज हैं इन्होंने कंबाइन किया, और इन कैपिलरीज के कंबाइन करने से अब यहां फॉर्मेशन किसका होगा, वेन का। पहले वेन्स बनेगी, फिर बाद में मेजर वेन्स बन जाएंगी, और ये जो मेजर वेन्स है ये इस ब्लड को ले जाकर के ट्रेन कहां करेंगे, राइट एट्रियम में, जहां से ब्लड कहा जाता है राइट वेंट्रिकल के पास। तो मतलब आपके पास जो दूसरा सर्कुलेशन आया ये सर्कुलेशन स्टार्ट कहां से हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किसके पास गया, एओर्टा के पास।
एनसीईआरटी ने यहां नाम लिया है डॉर्सल एओर्टा का, मैं सिंपली क्या लिख देता हूं, एओर्टा के पास ब्लड पहुंचा। एओर्टा इस ब्लड को कहां पहुंचाता है, बॉडी टिश्यू के पास। जब ये ब्लड बॉडी टिश्यूज के पास पहुंचेगा, तो बॉडी टिश्यूज के पास पहुंचने के बाद अब ये ब्लड पहुंचता है आपका वेन, और वेन के बाद कहां पहुंचेगा बेटा, मेजर वेन्स के पास, और मेजर वेन्स इस ब्लड को लाकर के ड्रेन कहां कर देते हैं, राइट एट्रियम में। तो ये सर्कुलेशन आपकी बॉडी के सिस्टम्स के लिए था, तो इसीलिए आप इस वाले सर्कुलेशन को नाम क्या देते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। ध्यान रखें स्पेलिंग सही नहीं करेंगे आप सिस्टेमिक को सिस्टमैटिक नहीं बना देंगे। नाम क्या है इसका, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्यों कहा गया, क्योंकि बॉडी के सिस्टम्स को सप्लाई करता है। अब सोच के बताना दोनों में से आपको क्या लगता है कि बड़ा कौन होना चाहिए, पल्मोनरी या सिस्टेमिक, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो मैंने क्या कहा कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन कंपैटिबली क्या है, बड़ा है। अगर ये ज्यादा बड़ा है तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस यहां पर ज्यादा होनी चाहिए कि कम, ज्यादा। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ब्लड को ज्यादा प्रेशर से फ्लो करना पड़ेगा। कोरिलेट कीजिएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल में सबसे ज्यादा मसल्स पाई जा रही थी, क्योंकि इसे ऐसे सर्कुलेशन में भेजना था जहां रेजिस्टेंस ज्यादा था, तो इसीलिए ब्लड के पास प्रेशर होना चाहिए था ज्यादा। तो आपने कहा कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जो ब्लड प्रेशर है ये भी बेटा कंपैटिबली क्या रहेगा, ज्यादा होगा। तो हमने कहा कि यहां पर ब्लड प्रेशर कंपैटिबली क्या रहेगा, ज्यादा, जबकि यहां ब्लड प्रेशर कम। यानी कि अगर क्वेश्चन आपसे कहता है कि अगर मैं पल्मोनरी आर्टरी और सिस्टेमिक आर्टरी में कंपेयर करूं कि दोनों में से ब्लड प्रेशर कहां ज्यादा होगा, तो मैं हमेशा क्या कहूंगा, सिस्टेमिक आर्टरी के अंदर सर्कुलेट प्रेशर ज्यादा, जबकि पल्मोनरी के अंदर प्रेशर कम। तो हमारे पास क्योंकि ये दो अलग अलग सर्कुलेशन पाए जाते हैं, तो इसी कंडीशन को अपन क्या नाम देते हैं, डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। तो डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास सर्कुलेशन कितने हैं, दो। पहला सर्कुलेशन किसके लिए है, लंग्स के लिए, जिसका नाम क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरा बॉडी के सिस्टम के लिए, जिसका नाम क्या है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब अगर डबल सर्कुलेशन आपको समझ में आता है तो क्या हम बात कर सकते हैं पोर्टल सर्कुलेशन के बारे में, कि ये क्या होता है। चलिए आज आपकी एक बार अंग्रेजी की परीक्षा हो जाए कि अंग्रेजी तुमको कितनी आती है, जूलॉजी तो नहीं आती है, सो नहीं आती है, अंग्रेजी में देखते हैं कितनी आती है। तो अंग्रेजी में नहीं, भोजपुरी मुझे नहीं आती, समस्या ये है। अच्छा अब अंग्रेजी में तुम बताओ, बताओ कुली को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, रेलवे स्टेशन पे कुली होता है, कुली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्या मतलब पिक्चर देखते तो उसलिए कुली कहते हैं, कुली कहते हैं, क्या बोलते हैं, पोर्टर। कुली को क्या कहते हैं, पोर्टर, ठीक, पोर्टल नहीं, क्या कहते हैं, पोर्टर। तो जो कुली है उसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोर्टर कहते हैं, ठीक, बोलो थैंक यू। तुम्हारी अंग्रेजी की मौका पे वृद्धि कराई, अब बात करेंगे पोर्टल सर्कुलेशन के बारे में। पोर्टल सर्कुलेशन का मतलब होता है जनरली आपकी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन है, इस सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है कि जो ब्लड है इसको बेटा पंप कौन करेगा, हार्ट। तो जो हमारा हार्ट है ये किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गन के पास ब्लड भेजता है। तो हार्ट को मान लो ब्लड भेजना था इस ऑर्गन को, तो हार्ट ने आर्टरी के थ्रू ब्लड किसे भेज दिया, ऑर्गन को। ऑर्गन से जो ब्लड है ये ब्लड वापस से कहां चला गया, हार्ट के पास, लेकर के कौन गया, वेन। ये हमारे अंदर नॉर्मल सर्कुलेशन है। पर अगर हमारे अंदर ऐसा हो कि हमारे अंदर जो हार्ट है, अब इसके बाद आपके पास एक ऑर्गन आ गया जिसको आपने कहा मान लेते हैं ऑर्गन, और एक और ऑर्गन आपके पास है जिसको अब मैं यहां नाम दे देता हूं ऑर्गन डैश। तो अब ऑर्गन कितने हुए, दो। देखिए हार्ट ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजा इस ऑर्गन के पास, ऑर्गन में जाकर की कैपिलरी बनी, कैपिलरी के साथ मटेरियल का एक्सचेंज हुआ, एक्सचेंज होने के बाद अब यहां से
जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये वापस से हार्ट के पास जाने की बजाय पहले कहां पहुंचता है, दूसरे ऑर्गन के पास पहुंचा। यहां पहुंच करके क्या हुआ कि फिर वापस से कैपिलरी बनी, यानी कि जो मटेरियल है अब इस ऑर्गन से कहां पहुंचा, यहां पर, यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 से कहां पहुंच गया, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। तो अपन ने कहा कि ये यहां ऑर्गन से पहुंचा ऑर्गन डैश पर, ऑर्गन डैश पर पहुंचने के बाद अब ये कैपिलरीज कंबाइन करें और ये कैपिलरीज कंबाइन करके अब ये ब्लड को कहां पहुंचा दें, हार्ट के पास। तो दो ऑर्गन्स के बीच का एक स्पेशल वैस्कुलर कनेक्शन, कि क्या हुआ, दो ऑर्गन्स के बीच का एक स्पेशल वैस्कुलर कनेक्शन है जो कुछ सब्सटेंसेस को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के पास पहुंचाता है। ऐसे कनेक्शन को अपन क्या बोलते हैं, पोर्टल सिस्टम कहा जाता है। ये जो पोर्टल सिस्टम है इसके अंदर अब अगर आप ध्यान दें तो यहां जो ब्लड वेसल आई इसका नाम क्या था, आर्टरी। जो ब्लड वेसल आई ये क्या बेटा, आर्टरी है। अब इधर इस ऑर्गन से जो यहां जा रही है इसको अगर आप देखो, ये स्टार्ट हुई कैपिलरी के फॉर्म में, टर्मिनेट हुई हार्ट पर, तो ये वेन की डेफिनेशन को पूरा करती है। तो आपने कहा कि यहां जो ब्लड वेसल है इसका नाम क्या हुआ, वेन। इन दोनों ऑर्गन्स के बीच यहां जो वेन है ये स्टार्ट हुई कैपिलरी के फॉर्म में और टर्मिनेट भी हुई कैपिलरी में, तो मतलब कि ना तो ये आर्टरी रही ना ये रही वेन, इसको नाम दिया जाता है पोर्टल वेन। क्या नाम देंगे, पोर्टल वेन कहा जाता है। तो ये जो ब्लड वेसल है इसको अपन ने नाम क्या दिया बेटा, पोर्टल वेन कहा। ये पोर्टल वेन एक ऑर्गन से कुछ सब्सटेंसेस को लेकर के इसे कहां पहुंचा रही है, दूसरे ऑर्गन के पास। तो इस सर्कुलेशन को अपन क्या बोलते हैं, पोर्टल सर्कुलेशन। तो ये जो पोर्टल सर्कुलेशन है हमारे अंदर पाए जाते हैं दो, कितने पोर्टल सर्कुलेशन होते हैं, दो पोर्टल सर्कुलेशन हमारे अंदर पाए जाते हैं। एनसीईआरटी यहां जो बात कर रही है वो तो बात करती है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के बारे में, और आगे जो बात करती है वो बात करेगी हाइपोफाइजियल, पहले समझेंगे फिर लिखेंगे। तो ध्यान दें, पहला जो आपका आता है इसका नाम है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। देखो बेटा हेपेटिक वर्ड जब भी आता है तो ये इंडिकेट किसे करता है, लिवर को। तो आपने कहा हमारा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है। ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में इधर मैंने कहा कि हमारे पास ये हो गया हार्ट, ध्यान देंगे जरा, ये अपने पास क्या बेटा, हार्ट है। इसके बाद ये हो गया यहां पर आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये क्या हो गया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इसके अंदर स्टमक और इंटेस्टाइन दोनों को शामिल कर दिया, और यहां पर आपके पास ये आ गया लिवर। तो यहां इस पूरे सिस्टम के अंदर ऑर्गन्स आपके पास कितने रहे, दो, कौन कौन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और लिवर। सबसे पहले यहां से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हार्ट से वो किसके पास पहुंचा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। तो इसके पास क्या हुआ, इसे ऑक्सीजन मिल गई। यहां जितना भी फूड का एब्जॉर्प्शन किया जाएगा वो फूड का एब्जॉर्प्शन इसी ब्लड के अंदर होना है, तो फूड का एब्जॉर्प्शन हुआ। अब ये फूड का एब्जॉर्प्शन होता कहां है, कैपिलरी पर। तो देखो कैपिलरी पर फूड का एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन होने के बाद अब यहां से जो ब्लड वेसल जाएगी, ये ब्लड वेसल कैसा ब्लड लेकर के जाएगी, डीऑक्सी, कारण कि ऑक्सीजन तो यहां कंज्यूम हो गई। अब जाने वाला ब्लड कैसा होगा, डीऑक्सी। ये डीऑक्सी ब्लड यहां से फ्लो करके कहां पर पहुंचा, लिवर के पास। किसके पास गया, लिवर। ये लिवर के पास पहुंचा और जाकर के फिर से कैपिलरी में डिवाइड कर गया। इसने क्या किया कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ने यहां पर बेटा जितना भी फूड अब्सॉर्ब किया था ना, ये फूड अब्सॉर्ब यहां से इसमें हुआ। ये पोर्टल वेन लेकर के आई और इसने ला करके फूड किसके पास पहुंचा दिया, लिवर के पास। फूड किसके पास पहुंचा, लिवर के पास पहुंचा। अब तुम बताओ बेटा, लाल जैकेट जरा खड़े हो जाओ, नाम क्या तुम्हारा, जैकी, जय किशन। अच्छा तो भी जो मतलब क्या कहते हैं, ब्रेक तो लिया करो, जय किशन, ठीक। अब एक साथ को अगर तो जैकी समझ में आता है। चलिए तो अब यहां पे मुझे बताओ, ये जो वेन है इसका नाम है हेपेटिक पोर्टल वेन, ठीक।
और जो हेपेटिक पोर्टल वेन है ये एब्जॉर्ब्ड फूड में से कौन कौन सी चीजें हैं जिनका ट्रांसपोर्ट नहीं करता है बताओ। हमारे पास एब्जॉर्ब्ड फूड में वॉटर था, इलेक्ट्रोलाइट थे, ग्लूकोज था, अमीनो एसिड था, फैटी एसिड था, ग्लिसरॉल था, और हमारे पास विटामिन वगैरह सारी चीजें थी। तो इनमें से कौन सी चीजें हैं जिनका ट्रांसपोर्ट ये हेपेटिक पोर्टल वेन नहीं करती, और ये डाइजेशन में पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं ना। बताओ ये प्रश्न तुम किसको रेफर करना चाहोगे, तुम्हारा सबसे खास मित्र कौन है? अच्छा चलो यही बालक बताए। हाँ भाई पानी भर के लाने वाले बालक बताओ जरा। यहां अपन ने बनाया हेपेटिक पोर्टल वेन, ठीक। हेपेटिक पोर्टल वेन एब्जॉर्ब फूड में से कौन सी चीज है जिसका ट्रांसपोर्ट नहीं करती है? फैट का। एकदम सही, देखो लड़का पानी भरने गया था पर दिमाग उसका क्लास में था, तो क्लास में होते हुए क्लास में नहीं बैठो, तो किसका एब्जॉर्प्शन ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा? फैट। फैट के अलावा बाकी सब चीजों का यहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये जाकर के कहां पहुंचा? लिवर के पास। लिवर के पास पहुंचने के बाद अब ये जो वेन है, ये वेन के जो कैपिलरी बनी थी, ये कैपिलरी फिर से कंबाइन की, और कंबाइन करने के बाद अब यहां से जो वेन है ये किसके पास पहुंच के बेटा? हार्ट के पास। इस पूरी कहानी में अगर आप देखें तो ये जो ब्लड वेसल आई, ये ब्लड वेसल क्या थी आपके पास? आर्टरी। आर्टरी के बाद आपने कहा कि ये जो ब्लड वेसल है इसका नाम क्या हुआ? हेपेटिक पोर्टल वेन। ये क्या कही गई? हेपेटिक पोर्टल वेन। आपने इसे कहा कि हेपेटिक पोर्टल वेन है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से फूड को कहां पहुंचाती है? लिवर के पास। लिवर से वापस हार्ट के पास ले जाने वाली जो वेन होगी, इस वेन को अपन नाम देंगे हेपेटिक वेन। क्या कहा जाएगा? हेपेटिक वेन। अगर आप ध्यान दें तो अब तक लिवर को फूड तो मिल चुका है, पर क्या लिवर को अभी ऑक्सीजन मिली है? नहीं। तो लिवर को ऑक्सीजन मिलनी चाहिए ना? यस। जब लिवर को ऑक्सीजन मिलनी है तो अब यहां हार्ट से एक आर्टरी आनी चाहिए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसे सप्लाई कर दे? लिवर के पास। तो लिवर के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने वाली जो ब्लड वेसल है इसका नाम होगा बेटा हेपेटिक आर्टरी। कौन सी ब्लड वेसल? हेपेटिक आर्टरी होगा। ये हेपेटिक आर्टरी हर्ट से ब्लड को कहां पहुंचाती है? लिवर के पास। तो ये यहां पर जो सिस्टम बना किसके बीच में? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और लिवर के बीच में, इसी को हम क्या बोलते हैं? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। ध्यान रखेंगे लिवर एक ऐसा ऑर्गन है या ऐसे ऑर्गन में से एक है जो कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों रिसीव कर रहा है। yes, लिवर के पास ऑक्सी ब्लड कौन लेकर के आया? हेपेटिक आर्टरी। डीऑक्सी ब्लड कौन लेकर के आया? हेपेटिक पोर्टल वेन। तो इस सिस्टम को आपने क्या कहा? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। एनसीईआरटी में पेज नंबर 333 पर आ जाओ, डायग्राम नंबर 22.2 पलटो जरा। नहीं मैंने आज सुबह ही पढ़ाया इसलिए याद, बाकी पेज नंबर याद नहीं होते मुझे। पेज नंबर 333 पे मिला डायग्राम 22.2 मिला। ध्यान देखिए यहां पर ये जो सिस्टम दिया है, इस सिस्टम का नाम है बेटा हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। क्या नाम है? हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम नाम है। तो ये हमारे अंदर पाया जाने वाला दूसरा पोर्टल सिस्टम है जिसे कहा जाता है हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। अब जरा देखिए हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम को, तो ये जो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम है इसके अंदर आप देखें तो यहां पर ऊपर डायग्राम में आपको दिखाया हाइपोथैलेमस, दिखा? हाइपोथैलेमस से कौन चला? इनपंडिबुलम। इनपंडिबुलम के आगे क्या है? एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो आपको यहां पर क्या दिखाया? एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो अब देखिए यहां पर इसका नाम क्या है? हाइपोथैलेमस। ये क्या हुआ? हाइपोथैलेमस हो गया। हाइपोथैलेमस के बाद
फिर अपन ने कहा कि ये क्या आ गया, इनपर्टिबुलम। तो हाइपोथैलेमस के बाद क्या आया, इनपर्टिबुलम। यहां पर ये है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को अपन बेटा नाम क्या देते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्या कहा जाता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का नाम क्या है, न्यूरोहाइपोफाइसिस नाम होगा। जबकि वहीं पर ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है इसको नाम क्या देते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस। तो एंटीरियर पिट्यूटरी का नाम एडिनोहाइपोफाइसिस, जबकि पोस्टीरियर का नाम क्या हुआ, न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो ये हुआ आपका एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। इधर क्या हुआ, अगर आप न्यूरॉन्स को ठीक से देखें तो आपको दिखेगा कि एक न्यूरॉन यहां पर है, ये न्यूरॉन का एक्सॉन यहीं पर आकर के खत्म हो जाता है। दिखा न्यूरॉन, एक दूसरा न्यूरॉन आपको यहां दिखाया कि ये है। इस न्यूरॉन का जो एक्सॉन है ये पूरा इनफंडिबुलम से होते हुए आया, और ये आकर के खत्म कहां पर हुआ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर। दो अलग अलग न्यूरॉन दिखे, ध्यान देखिए ये जो पीछे वाला न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन से सेक्रीट होने वाले जो हार्मोन है वो हार्मोन है यहां पर एडीएच और ऑक्सीटोसिन। कौन है बेटा, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। तो एडीएच और ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये आपके बने कहां पर, हाइपोथैलेमस। यहां पर ट्रांसपोर्ट किसने किए, तो हमने कहा कि ट्रांसपोर्ट हुए एक्सॉन के थ्रू, तो एक्सोनिकली ट्रांसपोर्ट हुए और कहां पहुंच गए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास। इधर आप देखें यहां पर ये जो न्यूरॉन है हाइपोथैलेमस में है, और इसका जो एक्सॉन एंडिंग है ये भी हाइपोथैलेमस में है। यहां से दो तरह के हार्मोन आते हैं, एक कहे जाते हैं रिलीजिंग हार्मोन और दूसरे को क्या बोलते हैं, इनहिबिटिंग हार्मोन। कौन कौन से आए, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन का एग्जांपल है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, सोमेटोग्राइनिन। वहीं इनहिबिटिंग हार्मोन का एग्जांपल है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, नाम क्या है, सोमेटोस्टैटिन। इधर क्या हुआ, हाइपोथैलेमस के पास एक ब्लड वेसल ब्लड लेकर के आई, जो ब्लड वेसल आ रही है इसका नाम है हाइपोफाइजियल आर्टरी। कौन आया, हाइपोफाइजियल आर्टरी। कैपिलरी बनी, कैपिलरी बनके रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन इसके पास आए। ये हार्मोन यहां आने के बाद अब ये कैपिलरी ने कंबाइन किया, और इसके कंबाइन करने से क्या बना, हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन बनी, जो इनफंडिबुलम से होते हुए कहां पर आकर के पहुंची, तो ये आ गई आपका एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। यानी कि ये जो पोर्टल कनेक्शन है ये किस किस के बीच है, हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच है। अब यहां पर आकर के ये जो पोर्टल वेन है कैपिलरी बनाने के बाद, अब जो हार्मोन यहां पर थे जो इसने रिसीव किए, ये हार्मोन्स को कहां रिलीज कर दिया गया, एंटीरियर पिट्यूटरी पे हार्मोन आ गए। यहां आने के बाद अब इससे क्या हुआ कि यहां से ये जो हाइपोफाइजियल वेन है, यह हाइपोफाइजियल वेन यहां से गई और ये यहां से बेटा कहां निकल जाएगी, अब बाहर। तो अब ध्यान दें जो आया ब्लड वेसल उसका नाम क्या था, हाइपोथैलेमिक आर्टरी। कौन थी, जो ब्लड वेसल हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच, उसका नाम हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन। ठीक, यहां से जो ब्लड वेसल गई उसका नाम क्या है, हाइपोफाइजियल वेन। यहां पर ये जो पोर्टल सिस्टम है इसका फायदा क्या मिला कि ये जो रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन है ये ब्लड के थ्रू डायरेक्टली कहां गई, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। यहां पर अब बात आती है कि इनको डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी, तो हम वैसे ही बेटा हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं कि हार्मोन ट्रेस अमाउंट में सेक्रीट होते हैं, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन तो बहुत ज्यादा कम अमाउंट में सेक्रीट होते हैं। ACTH हार्मोन होता है ना, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, उसके लिए एक रिलीजिंग हार्मोन होता है ACTHRH, ACTH रिलीजिंग हार्मोन। ठीक, ये जो ACTH रिलीजिंग हार्मोन है, जब हमें इसका 1 मिलीग्राम एक्सट्रैक्ट करना था, केवल कितने मिलीग्राम, 1, तो उसके लिए स्लॉटर हाउस से 27 या 28 हजार पिग, कितने 28 हजार करीब पिग का
हाइपोथैलेमस लिया गया, हाइपोथैलेमस से ACTH एक्सट्रैक्ट किया, तब जाके हमें कितना ACTH मिला था, 1 मिलीग्राम ACTH मिला। तो आप सोचो एक इंडिविजुअल पिक के अंदर ACTH का अमाउंट कितना कम रहा होगा। अब ये अमाउंट जो इतना कम है, अगर इस हार्मोन को डायरेक्टली बॉडी में रिलीज कर दिया जाए तो ये हार्मोन तो खो जाएगा। तो ये हार्मोन सीधे एंटीरियर पिट्यूटरी के पास पहुंचे, इसके लिए हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में क्या था, एक स्पेशल वैस्कुलर कनेक्शन जिसका नाम क्या था, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। ध्यान देंगे नाम क्यों दिया, क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी को आपने क्या कहा है, एडिनो हाइपोफाइसिस। तो पोर्टल सिस्टम को जो नाम मिला वो हमेशा किसके बेसिस पर मिला, कि सेकेंड ऑर्गन आपका यहाँ कौन है, यहाँ पे लिवर था और यहाँ कौन है, एंटीरियर पिट्यूटरी होता है। क्या इतनी बात समझ में आती है, फटाफट इसको लिखो, इस वाले पेज में से कुछ बचा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास क्या था बेटा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में सेक्रेटरी सेल्स नहीं होती, जो सेक्रीशन आ रहा था वो हाइपोथैलेमस से। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने केवल हार्मोन को स्टोर किया था, जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी के पास सेक्रेटरी सेल्स होती है, ये हार्मोन को रिलीज करती है, बनाती है। तो बनाने वाले के पास रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन लेकर क्या आता था, तो कैसे लेके आएंगे, ब्लड के थ्रू। किताब सबको पेज नंबर याद रहते हैं, अच्छा पत्ता नंबर ये सब सबको भी याद रहते, पेज नंबर भी याद रहते। अच्छा अभी तुम एक और से मिलोगे जिसको पेज नंबर याद है, सरदार जी है, जगदीप सर को गजब याद है। प्लांट फिजियो अभी हुई कि नहीं, तो आना चाहिए। हाँ बस जगदीप सर के क्लास में एक चीज है, बात नहीं कर पाओगे, बात करना इज नॉट अलाउड, इसमें बात करी हो तो पिटी। मैं देख के लगता नहीं कि सरदार जी बात करते हैं, गलती से अगर बात दी है तो 4 चीजें तो उठो नहीं, क्या तो ठीक है आराम से यही पड़े रहते हैं, 2-4 दिन बाद देखेंगे क्या करता है। इस वाले पेज का सबका हो गया बेटा, अभी तो अपना ब्लड वाला पार्ट बचा है ना, पहले ब्लड वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे फिर एक्सक्रीशन। पहले एक्सक्रीशन तो खत्म करें, एनिमल किंगडम पार्ट देखते हैं, ये तो मैं पढ़ा दूंगा, नहीं बाबा सर पढ़ा अभी, पहले इतना पढ़ लो। आगे बढ़े, क्योंकि कैपिलरी तो एक ही बार बनी, जब तक बेटा वापस से कैपिलरी नहीं बनेगी तब तक आप कैसे यूज करोगे, तो कैपिलरी तो एक ही बार बना।
अगले पेज पे आए, देखो जल्दी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में, गैस्ट्रो मतलब स्टमक और इंटेस्टाइन दोनों को मिला के क्या कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, या तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कह दो या फिर इंटेस्टाइन कह दो, दोनों से कुछ भी कह सकते हैं, दोनों कंडीशन में ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल जाती है। ये पल्मोनरी वेन, हाँ ये पल्मोनरी वेन, ये ऊपर वाला नहीं, ये है पल्मोनरी आर्टरी, ये दिख रही है, ये पल्मोनरी आर्टरी, मतलब ऑक्सीटोसिन, यहाँ पे क्या कहा कि हाइपोथैलेमस के पास दो तरह के न्यूरॉन, एक न्यूरॉन वो जो कि अपने हार्मोन हाइपोथैलेमस पे रिलीज करते हैं, दूसरे वो जिनके एक्सॉन लंबे होते हैं, ये इनके एक्सॉन इनफंडिबुलम से होते हुए पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचते हैं, तो इनके हार्मोन बने यहाँ पर रिलीज कहाँ हुए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वहीं पर इधर दूसरे वाले जो न्यूरॉन थे उनके जो हार्मोन है वो हाइपोथैलेमस पे रिलीज हुए, न्यूरोसेक्रेटरी सेल यहाँ होती है, कुछ न्यूरॉन है जो सेक्रीशन भी रिलीज करते हैं, ठीक। तो अपने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे जो हार्मोन आए ये हार्मोन काफी कम अमाउंट में थे और इनको सीधे आपको कहाँ पहुंचाना है, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, तो इसके लिए हाइपोथैलेमिक आर्टरी आई, कैपिलरी में डिवाइड करती है, ये हार्मोन को रिसीव करेगी और ये यहाँ पर आकर के इन हार्मोन को रिलीज कर देगी, इसके बाद यहाँ जो ब्लड वेसल है इसका नाम है हाइपोपाइथियल पोर्टल वेन, फिर यहां से जो ब्लड वेसल बाहर गई इसका नाम है हाइपोपाइथियल वेन,
आगे बढ़े। RH है रिलीज इन फॉर्म। बिल्कुल होता है क्यों नहीं क्राइटेरिया से तो होता है। और फैटी लिवर के दो कारण, या तो आपके खाने में फैट जाता है या फिर कुछ लोगों की वेलकोलिसिस का कारण होता है। नहीं, सिरोसिस अलग है और फैटी लिवर अलग है, दो अलग अलग कंडीशन। एल्कोहलिज की वजह से पहले फैटी लिवर सिंड्रोम होता है, उसके बाद फिर क्रोनिक कंडीशन में जाकर के लिवर सिरोसिस हो जाता है। सिरोसिस मतलब हुआ लिवर एकदम श्रिंक हो जाए, हार्ड हो जाए। तो श्रिंक और हार्ड हो जाए उसको बोलते हैं सिरोसिस। आगे देखिए, अब बात आती है बेटा कोरोनरी सर्कुलेशन के बारे में। तो कोरोनरी सर्कुलेशन इज सर्कुलेशन टू मसल्स ऑफ हार्ट। तो मैंने कहा कोरोनरी सर्कुलेशन का मतलब क्या हुआ, सर्कुलेशन टू मसल्स ऑफ हार्ट। तो हमारे हार्ट की जो मसल्स हैं या हार्ट का जो मस्कुलेचर है उसके लिए जो सर्कुलेशन होता है उसको क्या नाम देते हैं बेटा, कोरोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है। अब ये कोरोनरी सर्कुलेशन कैसे है, कहां से स्टार्ट होता है, तो आप देखिए सबसे पहले जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज क्या हुआ बेटा, एओर्टा। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या बाहर आया, एओर्टा। ये जो एओर्टा है आगे चल करके इससे कई सारी आर्टरीज बाहर आती है। जो आर्टरी बाहर आती है उनमें से एक का नाम है कोरोनरी आर्टरी। कौन सी बाहर आएगी, कोरोनरी आर्टरी यहां बाहर आई। ये जो कोरोनरी आर्टरी है ये जाकर के बेटा सप्लाई करती है कार्डियक मसल्स को। तो इसने सप्लाई किसे किया, तो अपन ने कहा कार्डियक मसल या वॉल ऑफ हार्ट। तो ये सप्लाई किसे कर रहा है, वॉल ऑफ हार्ट को इसने सप्लाई किया। तो हार्ट वॉल को सप्लाई करने वाला कौन है, कोरोनरी आर्टरी। हार्ट वॉल को सप्लाई करने के बाद अब यहां से ब्लड लेकर के जाना काम होता है कोरोनरी साइनस का। कौन लेकर के जाएगा ब्लड, कोरोनरी साइनस, जो आगे ले जाकर के इस ब्लड को ड्रेन कर देता है राइट एट्रियम के पास। तो यहां जो ये आपका सर्कुलेशन बना, यानी कि कोरोनरी आर्टरी इसने सप्लाई किया वॉल ऑफ हार्ट को, फिर कोरोनरी साइनस, इस सर्कुलेशन को ही अपन नाम क्या देते हैं, कोरोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है। लाइक ये देखिए, हमारा हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड पंप करता है, इसका मतलब है बॉडी में जितना भी ब्लड है सारा का सारा हार्ट से होकर के ही जाता है। तो हार्ट लगातार पूरी बॉडी से ब्लड रिसीव कर रहा है और बॉडी को ब्लड पंप कर रहा है। यट जो ब्लड हार्ट रिसीव करता है या पंप करता है उस ब्लड में से हार्ट अपने कंजप्शन के लिए या अपने यूटिलाइजेशन के लिए ब्लड नहीं ले सकता। लॉजिकली अपन चले क्यों ऐसा नहीं होता है, तो उसका कारण ये कि आपने अभी तक देखा कि जो मेजर वेंस आके ड्रेन हुई और पल्मोनरी आर्टरी या एओर्टा स्टार्ट हुआ, उसके बीच में कहीं कैपिलरी नहीं बनी, बिना कैपिलरी के कोई एक्सचेंज होता नहीं है, तो वहां भी यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता। याद रखने के लिए हम कुछ ऐसे याद रख सकते हैं जैसे बैंक में कैशियर होता है, कैशियर पूरे दिन में खूब सारे लोगों से खूब सारे पैसे लेता है, लोगों को पैसे देता है, पर शाम को कैशियर अपने घर जाने से पहले पूरे दिन में कितना पैसा आया कितना गया और सबका हिसाब किताब करके और इतना पैसा बचा उसको बैंक में जमा कराने के बाद ही जा सकता है। ऐसा थोड़े कि उसमें से कुछ पैसे निकाले के अच्छा ठीक है आज ये घर खर्च के लिए अपने पास रख लेते हैं, नहीं। तो बैंक ऐसे ही है, यहाँ पे हार्ट ने क्या काम किया, खूब सारा ब्लड रिसीव किया आगे भेजा, पर हार्ट अपने लिए उसमें से ब्लड नहीं रख सकता। तो अब कैशियर अपने लिए जब नहीं रख सकता है तो कैशियर को अपने घर खर्च भी चलाने हैं, तो उसके लिए बैंक कैशियर को क्या देता है, सैलरी। तो ऐसे ही हार्ट के लिए एक अलग से सर्कुलेशन बनाया गया कि भाई ठीक है आप काम कर रहे हो आपको भी फूड और ऑक्सीजन की जरूरत होगी, तो उसके लिए हार्ट वॉल के लिए एक सर्कुलेशन बना अलग से। जो ये सर्कुलेशन बना इसी को नाम क्या दिया, कोरोनरी सर्कुलेशन। क्या हुआ, कोरोनरी सर्कुलेशन के अंदर कोरोनरी आर्टरी ने सप्लाई किसे किया, वॉल ऑफ हार्ट को।
फिर यहां से ब्लड लेके कौन गया, कोरोनरी साइनस, ले जाकर के कहां पहुंचाया, राइट एट्रियम को। तो इसी बीच में हार्ट की वॉल को सप्लाई मिलती है। हालांकि यहां कोरोनरी आर्टरी आगे चल करके लेफ्ट और राइट कोरोनरी आर्टरी में डिवाइड करेगी, फिर ये फर्दर भी इसमें डिविजन होते हैं। ऐसे कोरोनरी वेन्स पहले बनती हैं, लेफ्ट और राइट कोरोनरी वेन बनेगी, फिर ये कोरोनरी साइनस बनेगा। पर अपने मतलब की जितनी चीज है, बस आपको ये पता हो कि हार्ट वॉल के लिए जो सप्लाई होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, कोरोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। मतलब जब भी अगर कोरोनरी वर्ड आएगा तो आप समझ जाएंगे कोरोनरी का मतलब क्या है, सर्कुलेशन टू मसल्स ऑफ हार्ट। अब देखिए ये जो कोरोनरी आर्टरी है ये आगे चल करके जब डिवाइड करती है तो ये डिवाइड करके आगे एक आर्टरी बनाती है, और जो आर्टरी बनती है उसका नाम होता है लाडा। राजस्थान से कितने लोग हैं, तो लाडा वर्ड का हिंदी में मतलब क्या होता है, दूल्हा। राजस्थान में लाडा कहा जाता है दूल्हे को, ठीक। ये जो लाडा है इसका पूरा नाम होता है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। इसका नाम क्या है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। बस जान दो, अपन ने क्या कहा इसका नाम क्या है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इसका नाम होता है। ध्यान से सुनोगे ताजे और भी बात है। तो यहां पे अपन ने कहा कि लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो है, इस आर्टरी को बेटा अपन नाम देते हैं विडोज आर्टरी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, विडोज आर्टरी इसे कहा जाता है। तो इसी को नाम क्या दिया जाता है, विडोज आर्टरी। अब देखिए क्यों कहा जाता है, कारण सुनेंगे। ये जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है ये आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के ज्यादातर पार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। किसे सप्लाई कर रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल को। हार्ट के चारों चैंबर में सबसे ज्यादा काम कौन करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। जो काम ज्यादा करेगा वो खाना भी खाएगा ज्यादा। अब उसके खाना खाने में अगर कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो वो उत्पाद भी ज्यादा बचाएगा, समस्या क्रिएट करेगा। तो अब क्या होता है कि अगर ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में इसके अंदर अगर कहीं कोई एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ या कोई ब्लॉकेज हुई तो उस ब्लॉकेज की वजह से होता है हार्ट अटैक। क्या होगा, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक हुआ तो डॉक्टर क्या बोलेगा, आई एम सॉरी। अब डॉक्टर ने सॉरी बोला तो जो पेशेंट है उसकी वाइफ कौन बन गई, विडोज। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, विडोज आर्टरी कहा जाता है। ज्यादातर जो हार्ट अटैक होते हैं उनके लिए रेस्पॉन्सिबल आर्टरी का नाम क्या है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, विडोज आर्टरी नाम देते हैं। फटाफट लिखो इसे, कोरोनरी सर्कुलेशन केवल हार्ट के लिए, क्या बेटा, कोरोनरी आर्टरी को होता है। पर ज्यादातर कोरोनरी आर्टरी जब आप कह रहे हैं तो आप एक बहुत जनरल सी टर्म के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने जब इसका नाम लिया तो मैंने एक स्पेसिफिक की बात कि पर्टिकुलरली ज्यादातर इसके अंदर ब्लॉकेज आता है। जो कोरोनरी आर्टरी है उसी की एक ब्रांच है लाडा। इसी का नाम होता विडो कार्ड। अब तुम पहले पढ़ लो, फिर आगे ढूंढना, कुछ तुम ढूंढ के फिर उसके बाद मुझे बताना, फिर जो तुम्हारे बच्चे उनको मैं पढ़ाऊंगा। अगर तुम पढ़ लिख गए तो नहीं पढ़ पाए, नहीं ढूंढ पाए तो मैं कैसे बताए। आगे बढ़े, ऐसी अभी पढ़ी कि नहीं, नहीं ना, तो तुम्हारा काम देता है। चलो
तो उसने क्वेश्चन नहीं पूछा तो क्वेश्चन कैन करें, अब आंसर नहीं बताया जाएगा। चलो अब आगे बढ़े। यस सर। चलिए देखें, अब अपने को बेटा बात करनी है ब्लड प्रेशर के बारे में, तो अब बात करते हैं अबाउट ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मेजर करने वाले एपरेटस का नाम स्फिग्मोमैनोमीटर। एपरेटस का नाम क्या होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। तो जो एपरेटस यूज किया जाता है ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए, उस एपरेटस को नाम क्या देते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। अब आप देखें, जो ब्लड प्रेशर नापा जाता है ये अपन किसमें नापते हैं? आर्टरी की वेन। किसमें नापेंगे? आर्टरी। हमेशा ध्यान रखना, ये नापा किसके अंदर जाता है? आर्टरी में। जनरली हम यहां जो प्रेफर करते हैं वो हम प्रेफर करते हैं ब्रैकियल आर्टरी। आपकी आंख में होकर के यहां से एक आर्टरी जाती है जिसका नाम है ब्रैकियल आर्टरी, तो ब्रैकियल आर्टरी को प्रेफर किया जाता है। तो ओवरऑल आप मेजर कहां करेंगे? आर्टरी के अंदर। अब बात आती है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू क्या होती है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है यह होता है आपका 120/80। तो नॉर्मल बीपी कितना है? 120/80। तो अपन ने कहा कि नॉर्मल बीपी होता है 120/80। यहां पर इसकी बेटा यूनिट होती है मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अब यहां पर आपने डेटा कितना लिखा है? 2। इसमें से जो 120 है ये 120 है आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये क्या है बेटा? 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, जबकि वही 80 जो है ये है आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो 80 को अपन क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है? 120। और डायस्टोलिक कितना होता है? 80। ध्यान रखें, इसको जब हम पढ़ते हैं तो 120/80 नहीं पढ़ा जाता। जब भी आप इसे पढ़ेंगे तो इसे पढ़ते हैं 120/80 पढ़ा गया जाता है। 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कहते हैं। तो अपन इसे बटे या ऑब्लिक नहीं पढ़ते हैं, तो आप क्या कहेंगे? 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को समझेंगे। देखिए, वेंट्रिकल जब सिस्टोल में था, यानी कि वेंट्रिकल जब ब्लड पंप करता है तब आर्टरी के अंदर ऑब्वियस सी बात है प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। वेंट्रिकल जब रिलैक्स होगा तो उस टाइम पर क्या होगा? आर्टरी के अंदर ब्लड प्रेशर कम। तो वेंट्रिकल जब रिलैक्स था यानी कि डायस्टोल में था तब प्रेशर कितना था? 80। और जब सिस्टोल में है तब प्रेशर कितना है? 120 है। फिर वापस से अपने लेफ्ट आर्म में अंगूठे के नीचे यहां पे हाथ रखो, लेफ्ट आर्म में ऐसे करके, ठीक, अंगूठे के नीचे यहां पे हाथ रखो। कैसे सर? ये लेफ्ट हाथ, ठीक, अंगूठा हाथ नीचे से लेकर फिंगर ऐसे रखी जाती है, यहां पे रखा। क्या आपने को ऐसे फील हो रहा है? हुआ कि नहीं? पक्का हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा, नहीं, नहीं हुआ। चलो अब ध्यान दे। अच्छा, कितने लोगों को हुआ? कितने लोगों को हुआ? हुआ इतने लोगों को ना, बहुत बहुत बधाई हो, आप जिंदा है, ठीक, अभी तक हो रहा है कि नहीं? तो तुम भी अभी जिंदा हो, ठीक, तो तुम खुश। क्या घड़ी की वजह से रुक गया था? अब ठीक है, चलो। तो अपन ने कहा ध्यान दे, देखो तुम्हें जो फील हुआ, ध्यान से बताओ, तुम्हें जो फील हुआ इसमें फील क्या हुआ? तो तुम्हें दो प्रेशर यहां फील हुए, एक जब आपका ऐसे करके कंडीशन थी और फिर दूसरा जब ये कंडीशन आई। यहां पे प्रेशर कितना था? 80। यहां कितना हुआ? 120।
ये कितना है? ये तो मैं फील कितना प्रेशर हुआ, फील कितना हुआ? 40 था, 40 40 40 क्या? तो अभी कितना है? 80। ये 120, तो तुम्हें जो फील होगा वो उसका अंतर ही तो फील होगा। ये जो इसका अंतर है, इस अंतर को अपन बोलते हैं पल्स प्रेशर। क्या कहा जाता है इसे? पल्स प्रेशर कहा जाता है। तो ये जो पल्स प्रेशर है, ये होता है आपका सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। कितना आ जाएगा बेटा? 40। तो ये आपका आ गया 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अगर मैं कहता हूं कि पल्स प्रेशर इज टू डायस्टोलिक प्रेशर इज टू सिस्टोलिक प्रेशर, इनका हम अनुपात निकालें तो कितना आएगा? 1:2:3। रेशियो कितना आया? 1:2:3 का रेशियो आता है। ये 40 है, ये 80 है और ये 120। तो रेशियो कितना आ गया? 1:2:3 का रेशियो यहां पर आता है। अब बात आती है कि ये तो हुआ हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अब नॉर्मल के बाद हाई ब्लड प्रेशर किसे कहा जाता है? तो हम बेटा हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं जबकि अगर ये ब्लड प्रेशर रिपीटेडली, यहां पर ध्यान देंगे, अगर ये ब्लड प्रेशर क्या हो बेटा कि रिपीटेडली अगर ये ब्लड प्रेशर 140/90 या इससे ज्यादा आ रहा हो तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे? हाई ब्लड प्रेशर। देखिए वैसे तो अगर मैं बात करूं कि 120-80 से ऊपर अगर ब्लड प्रेशर होगा, ध्यान से सुनना, वैसे अगर मैं बात करूं 120-80 से ऊपर होगा तो ही आप उसे क्या कह देंगे? हाई ब्लड प्रेशर है, कि भाई नॉर्मल से तो ज्यादा ही है ना। पर अलग अलग लोगों के अंदर ब्लड प्रेशर वेरी करता है, जेनेटिक रीजन है, डाइट है, आपकी हेल्थ कंडीशन है, तो हम लगभग कुछ मार्जिन लेके चलते हैं। हाई ब्लड प्रेशर हम कब मानते हैं? जबकि अगर रिपीटेडली ये प्रेशर कितना आ रहा हो? 140/90 से ज्यादा आ रहा हो। ध्यान दें, अगर आपने नोटिस किया हो तो आप जैसे ही डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हैं तो डॉक्टर जाते ही आपका ब्लड प्रेशर कभी नहीं नापता है। हमेशा जाने के बाद डॉक्टर भले कितना खाली बैठा हो उसके बावजूद आपको कम से कम 10-15 मिनट का वेट कराया जाएगा, उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर नापा जाएगा। कारण हो सकता है कि आप डॉक्टर के क्लिनिक तक आप चल के गए हो तो आपका बीपी बढ़ जाएगा, हो सकता है कि आप क्लिनिक फर्स्ट फ्लोर पे हो आप वहां तक क्लाइंब करके गए तो भी आपका बीपी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए पहले रेस्ट करने को बोला जाता है, फिर उसके बाद हम बीपी नापते हैं। उसमें भी अगर एक बार आपका बीपी 140/90 या इससे ज्यादा आ गया तो डॉक्टर आपको ये नहीं कहेगा कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है। डॉक्टर आपको बोलेगा एक काम करना, 4 दिन बाद फिर आना। ठीक, आपको बोलेगा नहीं बीपी ज्यादा है, आपको बोलेगा एक काम करना 4 दिन बाद फिर दिखाना। फिर तो 4 दिन बाद गए, फिर वापस से बीपी चेक किया, देखा कि बीपी फिर ज्यादा आ रहा है। तो अगर रिपीटेडली अगर बीपी 140/90 या उससे ज्यादा आता है तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ये जो हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन है ये अफेक्ट करती है सबसे ज्यादा 3 ऑर्गन्स को, और 3 ऑर्गन ये कौन कौन से है? तो पहला है आपका हार्ट, दूसरा ऑर्गन है बेटा ब्रेन, और तीसरा ऑर्गन होता है किडनी। तो पहला कौन है? हार्ट, दूसरा ब्रेन और तीसरे में किडनी। अब देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि एनसीईआरटी ने हार्ट का नाम क्यों लिया, भाई हार्ट को क्या दिक्कत है ब्लड प्रेशर बढ़ने पे। तो आप देखिए नॉर्मल जब बीपी था तो पल्स प्रेशर कितना था? 40। मतलब कि वेंट्रिकल जब काम करता है तो 40 पे काम करता है ना, 80 तो नॉर्मली है ही सिस्टम के अंदर, 40 उसने प्रेशर लगाया, 120 हो गया। यहां पर आप देखिए जो आपका पल्स प्रेशर है वो कितना हो गया? कितना हुआ? 50। पहले से घटा कि बढ़ा? इसका मतलब है वेंट्रिकल को अब ब्लड को पंप पहले से ज्यादा ताकत से करना पड़ रहा है या कम? ज्यादा। मतलब वेंट्रिकल का काम क्या हुआ? बढ़ा। अगर वेंट्रिकल का काम बढ़ा तो इसका मतलब है कि अब हार्ट से रिलेटेड समस्याएं होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहला अफेक्टेड ऑर्गन कौन हुआ? हार्ट। अगला ऑर्गन अब कहता है ब्रेन। हमारे ब्रेन को सप्लाई करने वाली जो कैपिलरीज हैं, कभी कभी होता है कि हाई ब्लड प्रेशर पर इनमें से कुछ कैपिलरीज रप्चर हो जाती है या टूट जाती है। अगर कोई कैपिलरी इनमें से रप्चर हुई या टूटी तो उसके टूटने पर कंसर्न एरिया में क्या होगा? ब्लड क्लॉट बन जाएगा और उस एरिया में ब्लड सप्लाई हो जाएगी बंद। जब अगर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो अब वो एरिया
बॉडी के जिस किसी पार्ट को रेगुलेट कर रहा होगा या जहां से सेंसरी सिग्नल्स ले रहा है वहां से सेंसरी सिग्नल आना बंद, या वहां के लिए मोटर सिग्नल जाना बंद। अगर मोटर सिग्नल जाना बंद हुए तो पैरालिसिस होगी कि नहीं? तो अगला अफेक्टेड ऑर्गन कौन हुआ? ब्रेन। और ध्यान रखना, ब्रेन अकेले आपके कार्डियक आउटपुट का लगभग 18% के आसपास कंज्यूम करता है, यानी कि जो ब्लड हार्ट से जा रहा है उसका बहुत मेजर अमाउंट आपके ब्रेन के पास पहुंचता है। तो अगर प्रेशर चेंज हुआ तो ये प्रेशर चेंज आपके ब्रेन को अफेक्ट डेफिनेटली करने वाला है। तो आपने कहा कि अगला ऑर्गन कौन होगा? ब्रेन। थर्ड ऑर्गन यहां पर दिया किडनी। आप जानते हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर की वजह से ही होता है, ऑलरेडी वहां पे एक नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर मौजूद होता है जिसकी वैल्यू लगभग कितनी होती है? 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, यानी कि ऑलरेडी होता है कि ग्लोमेरुलस पे 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का प्रेशर लग रहा है। अब अगर बीपी बढ़ा तो बीपी के बढ़ते ही नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर और ज्यादा बढ़ा, इसके बढ़ने की वजह से ग्लोमेरुलस पे लगने वाला प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया। तो अब ग्लोमेरुलस के डैमेज होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, और अगर ग्लोमेरुलस डैमेज हुआ तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन विल बी अफेक्टेड। तो अफेक्ट होने वाले ऑर्गन कितने? 3। पहला हार्ट, इसका काम बढ़ा, काम बढ़ने की वजह से दिक्कत है इसे। ब्रेन, यहां क्लॉटिंग हो सकती है, बॉडी में पैरालिसिस हो सकता है। और किडनी, यहां पे ग्लोमेरुलस डैमेज हो सकता है, इसलिए हम कहते हैं कि 3 ऑर्गन है जो सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं। तो अपने को हाई ब्लड प्रेशर में इतनी बात समझ में आई? अब देखिए, ब्लड प्रेशर के बाद अगली डिजीज की बात की जाती है जिसको आप नाम देते हैं बेटा कोरोनरी आर्टरी डिजीज। क्या आपने कहा? कोरोनरी आर्टरी डिजीज आपने नाम दिया। पता है कोटा में भी एक सीएडी सर्किल है, है ना? वो है चंबल एरिया डेवलपमेंट। ठीक, ये क्या है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, इस कोरोनरी आर्टरी डिजीज को अपन शॉर्ट में क्या कहते हैं? सीएडी। और ये जो सीएडी है, इसी के लिए एक नाम है आपके पास, एथेरोस्क्लेरोसिस। नाम क्या है बेटा? एथेरोस्क्लेरोसिस नाम है। ध्यान देंगे, कायदे से 2 डिजीज होती है, एक है एथेरोस्क्लेरोसिस, दूसरा आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। पर फिलहाल जब तक नीट नहीं हो जाता तब तक हम अपनी डॉक्टरी रखेंगे अपने पास। हमारे लिए बीमारी दुनिया में सिर्फ एक बीमारी का नाम क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस में डिपोजिशन किस किस का होगा? तो कहा कि डिपोजिशन होता है फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, फाइब्रस टिश्यू और ब्लड क्लॉट। तो डिपॉजिट क्या क्या होगा? फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, फाइब्रस टिश्यू और ब्लड क्लॉट। ध्यान देंगे, कायदे से तो अगर बेटा कैल्शियम डिपॉजिट होता है तो हम डिजीज को आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। कैल्शियम अगर डिपॉजिट हो तो क्या कहेंगे? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। पर वो कहेंगे नीट होने के बाद, उससे पहले कैल्शियम डिपोजिशन को क्या कहा जाता है? एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। डिपोजिशन किस किस का हुआ? फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, फाइब्रस टिश्यू, ब्लड क्लॉट, इतनी चीजों का डिपोजिशन हुआ। अब ये डिपोजिशन अफेक्ट कैसे करता है? तो ये डिपोजिशन हो कहां पर? तो देखिए, कौन सी आर्टरी का नाम लिया है? कोरोनरी आर्टरी। तो हमने कहा कि यहां जो डिपोजिशन होना चाहिए, ये डिपोजिशन बेटा किसके अंदर? कोरोनरी आर्टरी में। किसके अंदर डिपोजिशन हो? कोरोनरी आर्टरी में डिपोजिशन हो। तो कोरोनरी आर्टरी के अंदर अगर डिपोजिशन होता है तो हम डिजीज को क्या कहते हैं? कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहेंगे। कैसे अफेक्ट करेगा? देखो, ये मान लेते हैं कोरोनरी आर्टरी है जिसका हमने क्रॉस सेक्शन लिया है। कोरोनरी आर्टरी की जो वॉल है, क्योंकि आर्टरी है तो इसकी वॉल बेटा क्या रहेगा? थिक होगी ना। तो ये हमारी कोरोनरी आर्टरी की वॉल है, ये अंदर की तरफ ये ल्यूमेन है। जितना भी ब्लड फ्लो करेगा, ये ब्लड कहां फ्लो करता है? ल्यूमेन के अंदर। अब यहां डिपोजिशन किस किस का हुआ? तो आपने कहा इसमें से कोई भी चीज डिपोजिट हो जाए। ये जो डिपोजिशन है ये कहां पर होगा? ल्यूमेन में या वॉल में? तो जो डिपोजिशन है वो ध्यान रखेंगे ल्यूमेन में नहीं होता। डिपोजिशन कहां होता है? वॉल में। मान लो वॉल में
ये बेटा मान लेते हैं कि अपन यहां पे इतना कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, क्या जमा हुआ? कोलेस्ट्रॉल। जब कोलेस्ट्रॉल यहां जमा हुआ तो वॉल की थिकनेस बाकी जगह तो बनी रहेगी इतनी, और यहां पर आकर के इस वॉल की थिकनेस ऐसे कितनी हो जाएगी, यानी कि हमने कहा कि जो वॉल है वॉल ऑलरेडी थिक थी ना, अब इसके अंदर डिपोजिशन किसका हो गया? कोलेस्ट्रॉल का। जब ये डिपोजिशन हुआ तो इस डिपोजिशन की वजह से यहां जो आर्टरी थी, इस आर्टरी की ल्यूमेन क्या हो गई? नैरो। तो आपने ने कहा कि यहां पे जो ल्यूमेन है ये कंपैरेटिवली क्या हुआ? नैरो हुआ। अगर ये ल्यूमेन नैरो हुआ तो ल्यूमेन के नैरो होते ही यहां पर ब्लड सप्लाई टू हार्ट घटेगा या बढ़ जाएगा? तो अपन ने कहा बेटा कि ब्लड सप्लाई टू हार्ट क्या होगा? कम हो जाएगा। तो आपने कहा कि ब्लड सप्लाई टू हार्ट क्या हो जाता है? कम। किसकी वजह से कम हुआ? क्योंकि ल्यूमेन यहां पे क्या हुआ? नैरो। ल्यूमेन नैरो क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें डिपॉजिट कहां हुई? आर्टरी की वॉल में। कौन सी आर्टरी की वॉल में? कोरोनरी आर्टरी की वॉल में इनका डिपोजिशन हुआ और ब्लड सप्लाई टू हार्ट कम हो गया। जब कम हुआ तो इसी डिजीज को क्या बोलते हैं? कोरोनरी आर्टरी डिजीज या एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। तो इतनी बात समझ में आई? अफेक्टेड आर्टरी का नाम, डिपोजिशन किस किस का? आर्टरी के ल्यूमेन नैरो की वाइड, ब्लड सप्लाई टू हार्ट घटेगा कि बढ़ेगा? तो ये सारी चीजें अपन यहां याद रख लेंगे। अब देखिए, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हुई, होने के बाद अब क्या हुआ कि पेशेंट ने ध्यान नहीं दिया। जब अगर पेशेंट ने ध्यान नहीं दिया तो अब डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं एंजाइना, या फिर नाम देते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। क्या कहा जाता है? एंजाइना पेक्टोरिस नाम देते हैं। तो यहां पर होने वाली डिजीज का नाम एंजाइना पेक्टोरिस होगा। तो अपन ने कहा कि डिजीज का नाम क्या है? एंजाइना पेक्टोरिस। यहां लिखिए, इसके अंदर क्या हुआ कि अपन ने कहा कि एक्यूट चेस्ट पेन, क्या हो रहा है? एक्यूट चेस्ट पेन। तो यहां पर क्या हुआ? पेन कहां होगा? चेस्ट रीजन के अंदर। यहां पर हमने कहा कि ये जो पेन है ये पेन होता किसके अंदर है? तो अपन ने कहा कि पेन इन हार्ट मसल। पेन बेटा किसके अंदर हो रहा है? हार्ट मसल। तो हमने कहा कि ड्यू टू रिड्यूस्ड, अगर देखो ब्लड सप्लाई कम हुई तो ऑक्सीजन सप्लाई भी तो कम होगी। तो ब्लड या ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो जाए? कम। ब्लड या ऑक्सीजन सप्लाई अगर कम होती है तो उसकी वजह से हार्ट मसल के अंदर क्या होने लगेगा? पेन होगा। जब हार्ट मसल में पेन होगा तो ध्यान रखें ये जो पेन है आपको फील होगा चेस्ट में, और चेस्ट मसल को नाम देते हैं पेक्टोरल मसल। नाम क्या होता है? पेक्टोरल मसल। क्योंकि पेन आपको चेस्ट मसल में फील होता है, इसीलिए डिजीज को नाम क्या देते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस नाम दिया जाता है। यहां देखिए, जो पेन है वो शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म? तो शुरू में हमने क्या लिखा कि एक्यूट है, मतलब अचानक से होने वाला है, अचानक से यहां पेन होता है। और चेस्ट मसल में अगर ये पेन हो तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस कहा जाता है। तो एंजाइना पेक्टोरिस को अगर हम देखें तो जनरली लोग इसकी और गैस्ट्रिक पेन के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि गैस वगैरह पेट में बनती है उसकी वजह से समस्या होती है और हमें लगता है कि पेन हार्ट मसल में होता है। और कई बार जो है लोग फोन देखने में लगे रहते हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा दुनिया में हो क्या रहा है। क्या करोगे फोन देखने? क्या मान लेते हैं इस बालक के? हाँ भाई, नाम क्या तुम्हारा? एक प्रश्न ज्योति गुरु जय। अच्छा, तो अभी ध्यान दें, मान लेते हैं कि जय साहब क्या है कि खाना खाने के बाद आराम से अपना फोन चला रहे थे। अब जब जय साहब फोन चला रहे थे तो फोन चलाते चलाते अचानक से इनके चेस्ट पर पेन होना शुरू हुआ। तो अब ये कैसे डिसाइड करें कि पेन गैस्ट्रिक है या फिर कहीं हार्ट पे कुछ समस्या हो गई है? तो अब ये हार्ट का मामला ना हो उसको जानने के तरीके, पहला ध्यान देना,
जब भी जो है एंजाइना होता है तो पेन बहुत लंबा नहीं होगा। अगर आपको जो पेन हो रहा है वो अगर 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधा एक घंटा चल रहा है तो आप निश्चिंत हो जाए एंजाइना का पेन नहीं है। एंजाइना का पेन कुछ सेकेंड या कुछ मिनट के लिए ही होता है, मिनट तो मैक्सिमम हो गया, मुश्किल से होगा 10-20 सेकेंड 30 सेकेंड, बस इतना पेन होता है। अचानक से होगा काफी तेज पेन होगा। जब भी अगर पेन लंबा चल रहा है तो आप ये तय मान लीजिए कि आपका गैस्ट्रिक पेन है। दूसरा, जब भी अगर आपको कुछ डाउट लगता भी है, मान लो जैसा आपको लगा कि मैं मोबाइल देख रहा था, हो सकता है कि कुछ समस्या हो गई, तो आप क्या है कि उसको जानने के लिए एक तरीका है कि हम क्या करेंगे, जैसा आपका मोबाइल लेकर के अपने पास रखेंगे, ठीक, फिर हम इनको क्या करेंगे, हम रूम से भगा देंगे, भगाएंगे और इनको बोलेंगे जाओ तुम आधा घंटा दौड़ के आओ, क्या करो आधा घंटा दौड़ के आओ, ठीक, या ब्रिस्क वॉक करके आओ। दौड़ लेते हो कि नहीं मोबाइल में, पैदल दौड़ लेते हो? चलिए नहीं, मैंने सोचा मोबाइल में ऐसे दौड़ते रहते, अच्छा इधर से इधर इधर से इधर। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने जो है जैसा आपको हमने दौड़ाया, अब अगर ध्यान देना, अगर एंजाइना की कंडीशन होगी तो ये बात तय है कि वर्कआउट करने पर या फिजिकल लेबर करने पर एंजाइना की कंडीशन है तो पेन होगा, ये तय बात है। अगर पेन नहीं हो रहा तो इसका मतलब है गैस्ट्रिक समस्या है। अगर आधे घंटे घूम जाओगे तो गैस्ट्रिक समस्या अपने आप खत्म, ठीक, और अगर उस आधे घंटे में पेन ज्यादा पड़ जाए तो सीधे जाओ डॉक्टर के पास, ठीक। अगर बीच में लगा कि अचानक से एकदम चुभता हुआ था पेन हो रहा है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हो रहा है तो इसका मतलब है जहां तक है समस्या किसकी है, एंजाइना की, ठीक। पर तुम मोबाइल देख रहे थे इसलिए तुमसे कहा, तुम परेशान मत होना। डिजीज जो है काफी कॉमन जो है, अपन अगर बात करें कि कॉमनली कहां होती है तो कॉमनली अपन कहते हैं कि ये डिजीज कॉमन है किसके अंदर बेटा, मिडिल एज और एल्डरली में। किसके अंदर कॉमन है? मिडिल एज और एल्डरली लोगों के अंदर ये डिजीज कंपेटिवली क्या है, कॉमन होती है। हालांकि ध्यान रखना, हो किसी के अंदर भी सकती है, ये मत सोचो तुम्हारे अंदर होगी नहीं, हो कभी भी किसी के अंदर सकती है, पर ज्यादा कॉमन किसके अंदर है तो अपन कहते हैं मिडिल एज और एल्डरली के अंदर डिजीज ज्यादा कॉमन है। देखिए, अगर एथेरोस्क्लेरोसिस पे ध्यान नहीं दिया तो डिजीज कौन सी हुई, एंजाइना। अब अगर एंजाइना पे जैसा आपके दिल में दर्द हुआ और ये पहुंच गए डॉक्टर के पास तो ठीक, और नहीं पहुंचे तो अब क्या होने वाला है, हार्ट अटैक। क्या होगा? देखो मोबाइल देख देख के स्थिति कहां पहुंच गई। तो इसका दूसरा नाम क्या है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। क्या हुआ? आपके आने का प्रभाव मेरे यहाँ होने से ज्यादा ही है। वाह वाह, अच्छा गेस करो क्या है, की एक्स्ट्रा क्लास नहीं, 7:30 से 10:30, सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक एटिंग सर की एक्स्ट्रा क्लास, कॉकर 15+16, रूम नंबर 506। फिर वापस से ध्यान दो, अरे तो बात कर उसके जय की जीवन वरण का प्रश्न कर, बात नहीं करती है। ध्यान दो, आपने कहा अगली डिजीज कौन सी, हार्ट अटैक। नाम क्या दिया, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ध्यान देना, डिजीज का नाम क्या है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। पैनिक सही मत करना, नाम इंफ्रेक्शन नहीं है, नाम क्या है, इंफार्क्शन ही है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन का मतलब होता है इफ देयर इज सडन डेथ, अचानक से क्या हो जाए, डेथ हो जाए ऑफ सम कार्डियक मसल, कुछ कार्डियक मसल की डेथ हो जाए। और कुछ कार्डियक मसल की डेथ क्यों हो जाए, तो अपन ने कहा कि कुछ कार्डियक मसल की अगर अचानक से डेथ हो जाती है ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, तो हमने कहा कि अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिली और इसकी वजह से कुछ कार्डियक मसल्स की अचानक से हो गई डेथ, तो ये कंडीशन क्या कही जाती है, तो इसे अपन नाम देते हैं हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफार्क्शन नाम देते हैं। माइग्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में स्ट्रेप्टोकाइनेस का नाम आया था, हार्ट अटैक के पेशेंट में यूज करते हैं। हार्ट अटैक के केस में
बस इतना मैंने बता दिया, इतना काफी है, बाकी माइक्रोब में पढ़ी लिया तुमने कि कहां से क्या मिलेगा। हार्ट अटैक में हमने कहा कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन, इसके अंदर हुआ क्या, कुछ कार्डियक मसल की अचानक से क्या हुई, डेथ। डेथ क्यों हुई, क्योंकि ब्लड सप्लाई क्या हो गई, कम। तो यहां पर ये जो हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, जब भी अगर इसका कोई पेशेंट हो तो उसको अपन क्या देते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेस। करता क्या है, ये ब्लड क्लॉट बस्टर होता है। स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या है, ब्लड क्लॉट बस्टर, मतलब अगर किसी ब्लड क्लॉट की वजह से, ध्यान देना यहां सीएडी में आप कह चुके हैं कि ब्लड क्लॉट की वजह से हो सकता है, अगर ब्लड क्लॉट की वजह से समस्या है और ब्लड क्लॉट को आपने डिसॉल्व कर दिया तो समस्या काफी हद तक कब ठीक हो जाएगी। इसी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए हम लोगों के अंदर स्टेंट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, स्टेंट। या तो ये जो कोरोनरी आर्टरी है जो कि नैरो हो गई है, हमें इसे फिर से खोलना है, तो खोलने के लिए हमने क्या किया, जैसे आपके पैर के अंदर स्प्रिंग लगी होती है, ऐसे ही हमने प्लास्टिक से बनी हुई एक स्प्रिंग लेकर के हमने यहां इंट्रोड्यूस करा दी। जब यहां इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो इसकी ल्यूमेन को क्या कर देगा, वाइड। ल्यूमेन को क्या कर देगा, वाइड कर देगा। जब ल्यूमेन को वाइड कर दिया तो ब्लड फ्लो फिर से हो गया नॉर्मल। या फिर हम इसी कंडीशन में यूज करते हैं कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, क्या यूज करेंगे, सीएबीजी, यानी कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। यानी कि इसके लिए हम या तो पैर में, यहां पे होती है सेफेरस वेन, कौन सी होती है, सेफेरस वेन, या तो हम उसको निकाल के कोरोनरी आर्टरी की जगह लगा देते हैं, या फिर एक इंटरनल मैमिलरी आर्टरी होती है, चेस्ट रीजन के अंदर पाई जाती है, इसको निकाल करके हम यूज करते हैं। दोनों में से किसी को हमने अफेक्टेड आर्टरी की जगह पर लगाया तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बाईपास कहा जाता है। आपने अगर अपने घर परिवार रिश्तेदार में कहीं देखा हो किसी का बाईपास हुआ हो तो देखना उसके पैर पे एक लंबा सा जो है निशान होता है, एक लंबा सा स्कार का निशान होगा, वो वही सेफेरस वेन निकाली जाती है पैर से, जिसको यहां से निकाल करके हम कोरोनरी आर्टरी की जगह पर लगा देते हैं। तो इतनी समझ में आई। अब बची दो कंडीशन, एक बचा आपका कार्डियक अरेस्ट और दूसरा हार्ट फेलियर, वो अपन बात करते हैं।